सिवान में एक मकान में अचानक भीषण भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद मकान के आसपास और गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आग लगने की वजह बिजली की शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। वहीं परिवार के सदस्य मकान से बाहर निकल गए हैं, जिससे बाल बाल बचे हैं परिवार के लोग, और हादसा टल गया है। घटना जामो थाना क्षेत्र के जामो पश्चिम टोला की है। बताया जा रहा है कि अजय गुप्ता नामक व्यक्ति, जो कि किराना दुकान के व्यवसायी हैं, उनके ही मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लगी है। इसमें घर में रखे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। तो देख सकते हैं कि कपड़ा से लेकर हर कुछ जल चुका है। यह भयंकर आग लगी है। आग लगने के बाद जब धुआं निकलने लगा तो गांव, जो अगल बगल के गांव के लोग हैं, उनमें दहशत का माहौल कायम हो गया। वहां पे लोग पहुंचने लगे और काफ़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, जब तक घर का सभी सामान जलकर खाक हो गया था। मिली जानकारी के अनुसार यह जामो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पर यह भयंकर आग लगी है। आग लगने के बाद गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया था। ये पूरी घटना जामो पश्चिमी टोला की बताई जा रही है।